हेलो दोस्त, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि हम भाई लेखपाल या फिर पटवारी कैसे बने। दोस्तों दोनों एक ही नाम है, ठीक है। कुछ स्टेट के अंदर इसे लेखपाल कहा जाता है और कहीं कहीं पटवारी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी पूरी अपडेट दूंगा, तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप के पूरा पूरा देखना, जिससे आपको पता चले कि भाई क्या क्या स्टेप रहते हैं आपको पटवारी बनने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आती है कि पढ़ाई कहाँ तक की हुई होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों कुछ स्टेट है जहाँ पर आज भी 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है, पटवारी के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान, इससे पहले 12वीं पास चाहिए थे लेकिन अब ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन हो तो वहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यानी कि स्टेट वाइज थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन की भाई इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या मैटर है। तो आपको इसके साथ में RSCIT यानी ये कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, कम से कम RSCIT होना चाहिए या फिर उससे ऊपर कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपके पास में हो तो चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही आपके स्टेट के अंदर वैकेंसी निकलती है तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपकी एग्जाम डेट आती है, उस दिन आपके एग्जाम होते हैं। अब कहीं कहीं कोई स्टेट होते हैं वहां पर सिंगल एग्जाम होता है और कहीं कहीं स्टेट है जहां पर प्री और मेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है। जैसे अब राजस्थान है तो राजस्थान में अब दो एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। सबसे पहले आपको प्री में अप्लाई करना होता है, प्री का एग्जाम होता है, उसके बाद में आप प्री क्वालिफाई करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप एग्जाम देते हैं एक रिजल्ट आता है, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो आप भाई साहब वापस तैयारी कीजिए, ठीक है। मतलब आप अब देखो मेंस के लिए जैसे प्री आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको आगे मेंस के लिए फॉर्म फिलअप करना है, मेंस की एग्जाम देना है, फिर मेंस एग्जाम देते हो आप लोग, मेंस क्लियर हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आप एक पटवारी बन जाते हो, आपकी ट्रेनिंग चलती है 2 साल तक, ठीक है, और उसके बाद में आप प्रॉपर रूप से एक गांव के अंदर पटवारी बन जाते हो। तो दोस्तों ये फंडा रहता है पटवारी बनने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कोई आपको किसी और के बारे में अपडेट चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाके फॉलो करके मैसेज डाल देना, आपको स्टेट रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त साथ फैला दीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे से ये नॉलेज प्राप्त कर सके कि हम पटवारी कैसे बने, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हम और वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको जानकारी खुद देख सके समझ सके। तो दोस्त मिलते हैं स्टूडियो साथ, तो जय हिंद।